वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। धूप छाव में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि सीमेंट से गमले कैसे बनाए जाते हैं। तो सीमेंट से कैसे बनाया है उसकी वीडियो नहीं है मेरे पास, बट मैं आपको बता सकती हूँ कि इसको किस तरीके से मैंने बनाया। ये हमने सीमेंट को घोल कर उसके अंदर स्क्वायर शेप में कम्बल को कट कर कर उसको अच्छे से डीप डुबो लिया। फिर उसके बाद उसको एक बाल्टी लेकर उल्टा कर दिया, उस बाल्टी को उल्टा कर कर और उसके ऊपर हमने सीमेंट से भीगा हुआ कंबल इसके ऊपर डाल दिया और उसको अच्छे से ऊपर से फिनिशिंग देनी है, वो भी सीमेंट से ही दी जाएगी। और उसके बाद ये सूख गया, 2 दिन में ये सूखा है। उसके बाद इसमें हमने पेंट किया है वाइट कलर का, हमारे घर में पेंट हुआ था वो पड़ा हुआ था, मैंने वही कर दिया है। और फिर उसके बाद इसके अंदर बीच में हमने ये डंडा जो लगाया है इसके अंदर ऊपर से हमने एक बोरी होती है उसको बांधा है और ताकि इसके ऊपर मनी प्लांट अच्छे से लिपट सके, क्योंकि मनी प्लांट को चढ़ने के लिए जोर सहारे की जरूरत होती है। और इसके अंदर हमने मनी प्लांट लगाया, अभी सर्दियां हैं इसलिए मनी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, जब गर्मी आएंगी तो वो थोड़ा अच्छे से ग्रो करेगा। और ये हमारा जो है छत पर रखे हुए प्लांट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा इसकी लुकिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, देखने में भी बहुत सुंदर लगता है ये। और आगे मैं आपको अपने और गमले हैं जो मैंने बनाए थे आप देखेंगे, ये जो जिस पे फेस बना हुआ है ये भी हमने घर पर ही बनाया था सीमेंट से, जब हमारे घर पर टाइल लगी थी। इसके साथ वाला जो ये भी घर पे बनाया गया है। और ये हमने कूलर के नीचे का जो पानी का स्टैंड, पानी का जो स्पेस होता है उसको निकाल कर हमने उसके अंदर थोड़े ये हमारे राजमा के बीज, राजमा उगाए थे हमने। और यहाँ पे उगे हुए लहसुन, देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। सरसों भी उगाई हुई है, एक हमारा गेंदे का प्लांट भी आ रहा है। और ये हमारी प्याज, एक बार हम अपने इस प्याज को काट चुके हैं, बाकी ये दोबारा इसमें उग गई हैं। और हमारे एलोवेरा, यहाँ पे हम फाउंटेन बना रहे थे बट अभी थोड़ा सा हमारी वायर की प्रॉब्लम हो गई इसीलिए अभी नहीं बना है, बाकी बनेगा तो फिर आपको दिखाएंगे। और ये है हमारा धनिया और उसके साथ में है राजमा। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।